闪耀，嘿，力量开始燃烧，广阔的天空挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑，就算烦恼不会逃跑，坚持到老，失去了全部还有骄傲，我的人生我要自己去找。对酒当歌谣深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，我们前程值多少，吹响青春季节号，年少的热情तुम्हें याद है तुमने दोपहर में मुझे कहा था कि लड़की मेकअप अपने लवर के लिए करती है। डिपेंड करता है कि तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो। मेरे एक्सपीरियंस से तो लड़कियां हमेशा सही होती हैं। अगर उसे डेट पे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी गलतियां माननी होंगी। मैंने कब कहा ऐसा? मैं बस पसंद करता हूं उसे। अच्छा, मेरी क्रश है वो। क्या कहा? मैंने कहा शावियो मेरी क्रश है। मुझे पता था। कब हुआ ये? पता नहीं, हो गया। शायद वो मुझे अच्छी लगती है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं शावियो से प्यार करता हूँ। मैं पूरे साल से इस न्यूज़ का इंतजार कर रही थी। मेरा छोटा भाई फाइनली बड़ा हो गया। क्या शावियो को पता है? तुम सबने सिचुएशन देखी ना कि दोपहर में क्या हुआ था मेरे साथ, इसलिए। हाँ, वो बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम इसकी हेल्प क्यों करोगी? ऊपर वाले के लिए तुम सब एक साथ नहीं आ सकते। मैं सिर्फ कह रहा था कि किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं लाइक करता हूँ, लाइक यानी कि तुम रोल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। किसे लाइक करते हो तुम? चलो अब बताओ भी, तुम किसी को लाइक करने के बारे में बात कर रहे थे ना? चलो आओ, खाना ये छोड़ो ना, सब मेरी बुराई कर रहे थे। खाना खाते हैं। ए सुनो, अगर मैं मेकअप करूँ तो अच्छी दिखूंगी? ट्राई करते हैं, तुम दोनों वैसे भी सुंदर हो तो परफेक्ट ही लगोगे। बिल्कुल लगेंगे। खत्म हो गया। बड़ी मेहरबानी। अभी भी बदबू आ रही है। कितनी बुरी बात है, जैसा नानबे ने कहा, मैं मेकअप तो करती हूँ लेकिन कोई तारीफ नहीं करता। इसमें फेमिनिस्ट की क्या बात है? तुम्हें मेकअप करना है तो दूसरों को क्या? ये वीडियो तुम कितनी बार देख चुके हो फिर भी देख रही हो? कितनी भी बार देख लूं, इस सीन पर इमोशनल हो ही जाती हूँ। अरे देखा तुमने, इसमें भी अच्छे दोस्त लवर्स बन गए, हमेशा यही होता है। असल में कुछ लोग दोस्त खोने से डरते हैं, इसलिए अपनी फीलिंग्स नहीं बताते।
कुछ रोमांटिक मूड में लड़कियों को डेट करते हैं लेकिन आखिर तक भोले बने रहते हैं। सच में तो जो प्यार के पीछे भागता है उसे असल में दोस्ती खोने का डर रहता है। एक महान कवि ने कहा है, प्यार की कमी नहीं बल्कि दोस्ती की कमी की वजह से लोग शादी करने के बाद भी खुश नहीं रहते। तो प्यार और दोस्ती साथ साथ रह सकते हैं और कभी कभी दोनों ही बेटर होते हैं। छोटी कहकी, तुम तो कभी किताब पढ़ती ही नहीं हो, तो इतने भारी वर्ड्स बोल कैसे दिए तुमने? मैं प्रेम की दीवानी हूं, तो मेकअप करना है तो ये ट्राई करो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये इस्तेमाल करना नहीं आता। बहुत ज्यादा है, बहुत। और इसे यूज कैसे करते हैं? मैंने यूट्यूब वीडियो पर देखा था इसे यूज कैसे करना है। हमारे कॉलेज में मेकअप क्लब भी है, तुम वो क्यों नहीं ज्वाइन करती? वो लोग बेसिक मेकअप सिखाते हैं। अरे हाँ, कल एक एक्टिविटी भी है। अच्छा है ना शाओयू, हम साथ जा सकते हैं और तुम किसी को इम्प्रेस कर सकती हो। यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां अपना वक्त बर्बाद करने आती है। चुप रहो, आ जाओ। हेलो, तुम बता सकती हो कि हमें कौन सिखाने वाला है? हमारी हेड क्लब। तुम दोनों नए हो ना, हमारी हेड बहुत सही है। वो एक फेमस ब्यूटी ब्लॉगर भी है और उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बहुत ही फेमस है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा हुआ ना हम आ गए, लकीली हाउस से मेकअप किट भी ले लिया। 2 मिलियन फॉलोअर्स, लगता है कोई और काम करती नहीं है। ए, ए, रुको रुको। तो तुमने शुरू करने से पहले ही हार मान ली? शांत शांत, गुस्सा नहीं। ओके, शुरू करते हैं हमारी क्लास। चिन, यहाँ आओ। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आईब्रोज कैसे बनाते हैं। उससे पहले हम पिछली क्लास को रिवाइज करेंगे जो थी मैट फिनिश की। पहले हम अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइटर फाउंडेशन लेंगे और फेस पर ऐसे लगाएंगे। फिर आधे गीले स्पॉन्ज से इसे स्प्रेड करेंगे। उसके बाद पाउडर यूज करेंगे मेकअप फिनिशिंग के लिए। अपनी स्किन पर धीरे से लगाना है। उसके बाद हम सीखेंगे पेंसिल से आईब्रोज शेप करना, क्योंकि आईब्रोज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पूरे मेकअप में और आई मेकअप में भी। इसे कोई भी कर सकता है। देखो, सबसे पहले सब अपने आईब्रो शेवर निकालिए और उससे आईब्रोज के पास एक्स्ट्रा बाल शेव कीजिए। ध्यान रहे ओरिजिनल शेप बनाए रखना है। चलिए सब ट्राई कीजिए और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुम चिमटी यूज कर सकती हो अगर गलती हो रही हो तो। मैं हेल्प करूं? तुम इतनी अच्छी क्यों बन रही हो? अगर खराब मेकअप करके भयानक दिखोगी तो सब मुझे गलत कहेंगे। तुम्हारी गलती मैं क्यों भुगतूं? तुम जानबूझ के कर रही हो ना? तुम 20s में हो और आज तक आईब्रो शेव नहीं की, इसके बिना जी कैसे रही हो? किसने कहा कि मैं आईब्रोज शेव नहीं करती? मैं बस सीरियस कामों में थोड़ी बिजी थी इसलिए वक्त नहीं मिला।
सीरियस कामों में कौन सा अच्छा काम कर रही हो? के लिए इतना ही। आप मिरर यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि कौन सा आईब्रो शेप आप पर परफेक्ट लगता है। तुम हंस क्यों रही हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? टीचर्स कभी स्टूडेंट का मजाक नहीं उड़ाती, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाओ, बहुत पावरफुल होकर लोकल विलन को मारने का क्या फायदा? चलो खाना खाते। आज नहीं, हमें थोड़ा आराम करना है। सच में? अच्छा हाँ बिल्कुल। तो तुम मुझे अपनी पीठ क्यों दिखा रही हो? वैसे ही। तुम्हारी आँखों में तकलीफ है? नहीं तो, मैं तो अच्छे से देख पा रही हूँ। अरे शावियो, अपनी आईब्रो क्यों छुपा रही हो तुम? कहाँ छुपा रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही, मुझे एक अच्छी पिक्चर लेनी है अपनी, मैं बस पोज मार रही हूँ। आज का दिन कितना अच्छा है, तो मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पर ऐसे पोज मारूं कि और। सच में? हाँ सच में। तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है? दिखाओ मुझे, दिखाओ। नहीं। अरे दिखाओ नहीं यार। मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, तुम नेचुरली बहुत अच्छी लगती हो। सही में? तुम लोग मुझसे भी तो सीख सकते हो ना, मैं ब्यूटी गुरु हूँ। क्या वाकई तुम हो? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? देखो अपना अकाउंट दिखाती हूँ तुम्हें। सिर्फ 500 फॉलोअर्स मेरे इससे ज्यादा हैं। मैं होमवर्क करने में या पढ़ाई करने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए ये हॉबी ढूंढ ली। और तो और, ये मेरे पक्के वाले फैंस हैं, मैं तुम दोनों को सिखा सकती हूँ। मुझे ना पढ़ाई करनी है ना मेकअप करना है। नहीं देखो, तुम ऐसे ही सुंदर हो, मेकअप करके और अच्छी लगोगी। नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ। गलत शावियो, जरा सोचो, तुम ये नैन को खुद को नीचा दिखाने नहीं दे सकती उसकी नजरों में। हम दोनों बस दो लड़कियां हैं जिनका लाइफ में टेस्ट अच्छा नहीं है, क्या तुम ये बर्दाश्त करोगी? बिल्कुल नहीं। वही तो। चिंग, हमें सिखाओ, हमें जल्दी कोई टिप्स बताओ। हाँ जरूर, असल में मेकअप करना पढ़ाई करने से काफी ज्यादा आसान है। तुम दोनों अपनी स्किन को नमी देने के लिए स्किन केयर यूज कर सकती हो। कुछ भी मत लगाओ, जैसा वो कह रही वैसा करो, ठीक है? ये लो, ये भी लो, ये भी लो, ये तुम यूज करो। अच्छा फैन, तुम भी यूज करो। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बनने से पहले मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, वो भी मेकअप करने में। इसमें टाइम वेस्ट कैसा? हाँ, जब मैं मेकअप नहीं लगाती तो लगता है मैं कॉमन हूँ, लेकिन मेकअप लगाकर मुझे लगता है कि मैं फिल्म स्टार जैसी दिखती हूँ। लेकिन ये कॉन्फिडेंस मेकअप उतारते ही चला जाएगा, इससे अच्छा है तुम किताबें पढ़ो और रिजल्ट अच्छे करो। वैसे ये है क्या? ओ, ये कोई फॉरेन एक्सचेंज इवेंट है जिस पर मिस्टर ली ने मुझसे स्पीच देने को कहा है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुनो, मैं एक वीडियो भेजती हूँ तुम दोनों को मेकअप के ट्यूटोरियल का, तुम दोनों वो देख सकते हो। ठीक है, मिल गया। डियर लीडर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है फैन फैन और मैं डोंगजो यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ। कैसी तैयारी है? डोंट वरी सर, मैंने प्रिपेयर कर लिया। आराम से, बस नए लोगों को अच्छे से प्रेजेंट करो अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडी। तुम्हें एकदम एनर्जेटिक दिखना है। एनर्जेटिक? हाँ, बस थोड़ा मेकअप कर लेना और रेडी हो जाना। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो मुझे मेकअप करना होगा बस थोड़ा सा, ताकि लोगों को तुम थोड़ा एनर्जेटिक लगो, एकदम एकदम पावरफुल। एनर्जेटिक?
कॉलेज के 2 साल फटाफट निकल जाते हैं। जिस साल मैं कॉलेज में आई थी तब सोचा था कि सबसे जरूरी चीज है अपना लक्ष्य ढूंढना, और कॉलेज के 4 सालों में अब मैं आपको एक बहुत नई टेक्निक सिखाने वाली हूँ। इस तरह अगर आप ब्लश को ब्लेंडर पे लगाएंगे और फिर अपने चीक्स पे लगाएंगे तो कलर बेटर आएगा। देखिए मैंने भी अपने चीक्स पे ऐसे लगाया है, अगर आप नाक के ऊपर लगाएंगे तो और अच्छा लगेगा। शावी अचानक मेकअप क्यों करने लगी? ओह, शो ऑफ कर रहे हो क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज था। तुम्हें समझ नहीं आया? लेकिन उस दिन तो वो मना कर रही थी ना, तो अचानक चेंज कैसे हो गए? वो ये तुम्हारे लिए करती है। क्या बात कर रहे हो, सच में? अगर तुम कह रहे हो तो उसको शायद मैं पसंद हूं, तो वो इतना जबरदस्ती क्यों करती है? तुम्हें अभी प्यार का एक्सपीरियंस नहीं है। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, पक्के दोस्त। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम दोनों दोस्त भी नहीं रह पाओगे। डिबेट पार्टनर्स तो छोड़ ही दो फिर। गड़बड़ हुई तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी दोस्ती बरकरार रहे, लेकिन तुम कर सकते हो, लेकिन शायू में शायद इतना कॉन्फिडेंस ना हो। तो मैं उसमें कॉन्फिडेंस ले आऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है। हे ब्रो, तुम गलत खड़े हो, रुको मैं हेल्प करता हूं। मैडम ये मेकअप आप पर अच्छा लग रहा है। हाँ मेकअप तो अच्छा है, लेकिन ये मेरे पूरे फेस पर कर दीजिए ना प्लीज। हम ट्रायल के लिए सिर्फ आधे फेस पर करते हैं, अगर मेकअप खरीदा तो पूरे पर कर देंगे। इसका प्राइस है तो मैं इसे साफ कर लेती हूँ। उसके लिए हमारे पास है लेटेस्ट फेस वॉश जिसका प्राइस है 2 कर दो। तो आज किस चीज की ट्रेनिंग करें? कुछ भी तो नहीं है, प्रैक्टिस के लिए। बेसिक ट्रेनिंग भी हो चुकी है और आज अजीब से घुटन भी है माहौल में और मौसम खराब है। तो चलते हैं। ठीक है फिर। हाँ ठीक है, चलो चलो। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या हुआ तुम सबको? ये एटीट्यूड रहेगा तो मैं ओल्ड कोच से क्या कहूंगा जो अस्पताल में है। कुछ तो बोलो। हाओ हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम आपस में डिबेट कर लें। उसका टॉपिक होगा कि एक लड़की को अपने लवर के लिए मेकअप करना चाहिए या खुद के लिए, जो उसके लिए प्यार करता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। मैं मानता हूँ। तुम लड़के कभी मैच्योर होते ही नहीं। हाँ? तो मैं सच बताता हूँ ताकि तुम्हारी समझ में आए, समझी? हाँ बताओ ना। लेकिन जो हारेगा उसे सोशल मीडिया पे जाके मेकअप वीडियो बनाना होगा। बनाना? मैं तो वीडियो को भी लाइक करूंगा। देखते हैं ना कौन बनाता है। मेरे पास बेस्ट डिबेटर है, समझी? अब मैं इसमें कहाँ से आ गया? शुरू हो जाओ। हो जाए। 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 ग्रेट, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। देखो मैंने कहा था ना कि मैं रियल ब्यूटी ब्लॉगर हूँ,
देखो तुम दोनों कितनी सुंदर लग रही हो। सही कहा चिंग। सुनो, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि इन तीनों में से मेरे ड्रेस पर कौन सी अच्छी लगेगी। लेकिन किस लिए? नानबा एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए स्टार्स की फोटोज लेने वाला है, तो साथ में मुझे भी चलने के लिए कहा है। क्या बात है, वो तुम्हें रोमांटिक डेट पर ले जा रहा है? अरे कुछ भी बकवास मत करो, वो अकेले नहीं जाना चाहता तो मुझे साथ ले जा रहा है। ये पहली वाली कैसे रहेगी, लाल वाली? ये वाली बहुत रेड है, मैंने लगा के देखी है। देखो तो ये पिंक वाली ट्राई करो। मुझे लगता है मुझे दोनों भी ट्राई करके देखना चाहिए, ये वाली रात को चमकेगी शायद। देखो तुम उसकी हेल्प करने जा रही हो ना, क्या ऐसा तो नहीं कि तुम उसकी बात से अग्री करती हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस हमारे लिए सबूत इकट्ठा कर रही हूँ, वहां पर जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। मैंने सुना है कि नानबे को लाइट रेड कलर पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये लगानी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? देखो क्या ये तुमसे हो पाएगा? पता नहीं चल रहा है ये ट्राइपॉड फिक्स क्यों नहीं हो रहा है जगह। एक बार जरा मुझे देखो ना। नए कपड़े पहने हैं क्या? मैंने पूरे सेमेस्टर ये पहने हैं, ठीक से देखो ना। क्या? मैंने लाइट रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है, अच्छी लग रही है ना? तुम चाय पियोगी शाफियो? मैं पिलाऊंगा तुम्हें चाय, चलो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? खूबसूरत है। यस। तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें ठंड लग रही है ना? नहीं तो? लग रही है, ठंड तो लग रही है, बहुत ठंड है ना? नहीं लग रही है मुझे, क्या कर रहे हो तुम? पहन लो इसे, बहुत अच्छी लग रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये फैन फैन का कंप्यूटर है, रोज तो देखते हो। और ये भी फैन फैन का है, वो शटडाउन करना भूल गई थी। और भी है, ये भी उसका है, ये अच्छा वाला मेकअप किट। फैन फैन मेकअप करने लग गई है। सुनो, और भी है। ये देखो, ये हील्स भी उसके हैं। नहीं, वो तो कभी नहीं पहनती। शायद वो बिल्कुल नहीं, उसने कहा था वो डॉक्टर बनने तक किसी को डेट नहीं करेगी। मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि उसके साइंस होते हैं। चलो चलकर पता करते हैं। क्या हो गया? मेकअप करने में तुम्हारी मदद करे? पर किस लिए? मैं तो मेकअप नहीं करती। तुम स्पीच देने वाली हो और तुम्हें अच्छा दिखना है। तुम्हें कैसे पता चला?
वो मैं देखो घबराओ मत, हमें सब कुछ पता है। सुनो ये हील्स के लिए बैंडेड है, पहली बार हील्स पहन रही हो तो चोट लग सकती है। थैंक यू सो मच। अरे हम तो बहनी जैसी हैं। चलो बहनी शुरू हो जाओ। एक मिनट मुझे नर्वस फील हो रहा है। घबराओ मत, आंखें बंद करो, हम फटाफट कर देंगे। ये hey, देखो कैसा है, ब्यूटीफुल गर्ल्स हैंडसम बॉयज, अच्छे माहौल में, जो हारेगा उनके फेस पे मेकअप लगा के यहाँ लगाएंगे। लेकिन ये टीम गेम है, पिछली बार की तरह मत करना, ये रूल ध्यान में रखना कि दोस्ती पहले कंपटीशन बाद में, समझ गए? हम तैयार हैं। गुड। तो बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जैंग और डीन वैंग का म्यूजिक फेस्टिवल पर उनकी स्पीच के लिए। अब स्वागत कीजिए डूफे की तरफ से स्टूडेंट्स की प्रतिनिधि फैन फैन का, जो यादों को लेकर एक स्पीच देने वाली हैं। वेलकम फैन फैन, स्टेज आपका है। डियर लीडर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स भी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ फैन फैन, DUFA की एक स्टूडेंट। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विनर है शाओयू की टीम। मेकअप बिल्कुल तैयार है, तो लाइव वीडियो बनाना शुरू करो। मुझे अचानक याद आया कि मुझे एक क्लास के लिए जाना है, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। जरा रुक जाओ, इस हफ्ते कोई क्लास नहीं है। तुम्हारा सारा काम मैंने रीशेड्यूल कर दिया है, तो तुम तीनों बस बैठ जाओ और वीडियो बनाओ। वाह, बड़ा मजा आने वाला है। रुको, मुझे कुछ कहना है तुमसे। अगर तुम्हें मेकअप नहीं करना तो मत करो प्लीज। तुम उसके बिना भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। अच्छा, तुम नहीं बच सकते, यहां। धरती पर 600 करोड़ लोग हैं, हम एक दिन में 1000 लोगों से मिल सकते हैं और एक साल में 3,65,000 लोगों से, और अपनी पूरी जिंदगी में 2,92,00,000 लोगों से मिल सकते हैं। इसीलिए इतने सारे लोगों में से अपने सोलमेट से मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। हम इतने लोगों से मिलते हैं लाइफ में, लेकिन प्यार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तुम तो हमेशा फिल्में देखते हो, तो तुम्हें ये कोर्स क्यों करना, फिल्में देखने के लिए? पिछले हफ्ते मुझे पता चला कि वो भी यही कोर्स कर रहा है। आप सब
निराश मत होइए, चांसेस कम है लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि हमारे आसपास कितने सारे लवर्स और कपल्स हैं अभी भी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काफी सदियों पहले एक आविष्कार ने इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व किया था, जो है ये। मुझे तो ये कोई गड़बड़ स्कीम लगती है। इनके क्या सेब के बगीचे हैं? अगली बार कहेंगे कि सेब ही सबका इलाज है। पुरानी कहानियों में हमने सुना है कि एक लड़का लड़की में प्यार हो जाता है, वो भी एक एप्पल की वजह से। तो अगर तुम्हें कोई लड़का नए साल पर हैप्पी न्यू ईयर कहने के साथ एक एप्पल गिफ्ट करे, तो वो तुम्हें बेस्ट विशेस नहीं दे रहा है, बल्कि तुम्हें डेट करना चाहता है। डेट? समझे? आज तो फेस्टिवल है, तुम चुपचाप कैसे हो? मैं बड़ी हो गई हूँ और समझ गई हूँ कि इस दुनिया में डेटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मैंने डेटिंग कब कहा? मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारी बात समझ जाती हूँ। हेलो, आपके लिए सेब। अरे तुम हो, लाओ, मेरा सेब वेस्ट हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? रुको, कर क्या रहे हो तुम? हे भगवान, दिखते तो अच्छे हो लेकिन ये सब मत करो, ये घटिया हरकत है। तुम नहीं समझोगी, ये लड़कियों के लिए प्रेजेंट है। तुम हमारा ओपिनियन जानना चाहते हो ना? पता है हम लड़कियां प्यार क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि हम तुम जैसे लट्टू लड़के को डेट नहीं करना चाहती। हम मूवी देख लेंगी, गेम खेल लेंगी, चाय पी लेंगी, लेकिन तुम जैसे पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। लेकिन मैम, सुना, मैं इन सेब का अब... हमारा कॉलेज इतना अच्छा है लेकिन लड़कों का दिमाग बेकार ही है। ऐसा लगता है कि ये उनकी प्रॉब्लम है ही। मुझे लगता है लड़का लड़की में ये फर्क तो हमेशा से ही रहता है। बिल्कुल नहीं है ना? मतलब क्या है तुम्हारा? इस हफ्ते में तुम्हारी किस्मत में प्यार है। एक लड़का जो तुम्हें पसंद करता है तुमसे अपने दिल की बात कहेगा। चुप कर फर्जी ज्योतिष, ये सब ढोंग मत कर। और इतना वक्त है ना, तो थोड़ी डिबेट की तैयारी कर ले। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगी। तुम सच में नहीं बताओगी? नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? नहीं नहीं नहीं, प्लीज बताओ ना। अच्छा देखो, वो रहा वहाँ। नानबे भले ही लंबा और हैंडसम ना हो और चिढ़ाता हो, लेकिन उन गधों से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। बस वेट करो और देखो। लेकिन वो थोड़ा सा लल्लू भी है। चुप करो, बस वहाँ देखो। हंस लो तुम। देखो, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। शौर्य सुनो ना, वो बस अपनी फीलिंग छुपा रहा है। और बस बंद करो, ट्रेनिंग पे चलो, चलो। आ गए तुम दोनों। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कहा था ना, वो फीलिंग्स छुपा रहा है। ये नान भी ने रखा होगा। ट्वांजी, ये लो। अच्छा तो ये तुमने रखे हैं? आहा, सबको एक सेब खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। तुम ये होलसेल से लाई हो क्या? मैंने नहीं खरीदे, पता नहीं आज क्या है, लेकिन बहुत सारे जूनियर लड़कों ने मुझे एप्पल्स दिए। कुछ दिनों से बहुत बीमारियां फैल रही हैं, इसे नहीं खाना चाहिए हमें। सच में ऐसा है क्या? बिल्कुल, मैंने सुना है कि पहाड़ वाली सभी जगहों में पेड़ों में कीड़े लग रहे हैं, और ये सारे सेब वहीं से तो आते हैं ना, इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये सेब मत ही खाओ, पता नहीं किस सेब में कीड़ा रहेगा। लेकिन लग तो नहीं रहा है। धुला है, खा लो।
नानबे, तुम्हें पता है आज एप्पल देने का मतलब क्या होता है? हाँ, बेस्ट विशेस। मेरे बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। टंग 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 टा। आप भी एप्पल ले आए? सारे कब और कहाँ से आए? स्टाफ वालों को मिलते हैं, वापस नहीं कर सकता, वैसे भी तो सब बांट लेंगे। तो बताओ तैयारी कैसी चल रही है? मैं कोच को अपडेट देने का वेट कर रहा हूँ। आज का पेपर पढ़ा तुमने? हॉरोस्कोप में लिखा था कि आज पढ़ाई के लिए अच्छा दिन नहीं है। आलसी होने का बहाना है ये। अच्छा बताओ त्योहार का क्या प्लान है? हाँ, आज त्योहार है तो हम कमरे में जाकर सो नहीं सकते। हाँ, डिनर पे चले क्या? टेबल बुक करती हूँ, सारी बुक्ड है। एक काम करो, हॉटपॉट में देखो। हॉटपॉट? उतने पैसों में तो 4-5 मेकअप एग्जाम की फीस दे दोगे। बिल्कुल सही कहा। हाँ, आज रात चिंग फेंग का कॉन्सर्ट है शायद। हाँ, सही कहा। हाँ, लेकिन टिकट्स नहीं मिलेंगी। आतिशबाजी देखने चले? ओके। हाँ ठीक है, चलो। ओके, तुम जा सकते हो। और आप? मैं कहीं बिजी हूँ। अच्छा, किस में? काम करूंगा, उसमें मुझे मजा आता है। तो पीपल स्क्वायर पर चलते हैं, वहाँ बिल्डिंग्स कम है, खुली जगह है, आतिशबाजी देखने में मजा आएगा। तो हम भी थोड़े खरीद लेते हैं ना। नानबे, मैं फ्री नहीं हूँ दोपहर को, तुम लोग चले जाओ। सॉरी। तो क्योंकि अभी फ्री टाइम है, हम इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। बस करो। आहा, अभी भी एक दिन बाकी है, तो गुस्सा होने से अच्छा है तुम ये सोचो जब वो तुम्हारे सामने एक्सेप्ट करेगा तो तुम क्या जवाब दोगी। वैसा कुछ नहीं करेगा। अरे, किसी को भी समझ आ जाएगा। अच्छा देखो, न्यू ईयर की रात आकाश में आतिशबाजी होगी। तो क्या कह रही हो, रही हो? अब क्या करोगी तुम? रूम में जाओगी? कॉमेडी क्लब में मुझे कुछ काम है तो वहाँ जाऊंगी। ठीक है फिर। बाय बाय। बाय बाय। बेवकूफ ने सेब छोड़ के बाकी सारे फ्रूट्स दिए हैं। शुगा, मुझे पता है कि तुम्हें हमारे ड्रिंक्स नहीं पसंद, तो तुम फ्रूट्स लेकर आ सकती हो। ये नानबे को दे देना। चूजे को किसने सेब दिया? मेंगवान ने दिया है। हे, क्या कर रहे हो तुम? मैं बिजी हूँ शावी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। हे, बाय। नानबे। Thank you.
简讯，通通都删去，写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把心也填满空虚，只留下回忆。写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息，你的谦虚，统统都删。